शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, बात करते हैं। लगातार जुबानी जंग तेज हो चुकी है अखिलेश यादव और मायावती के बीच। सोशल मीडिया साइट पर साफ तौर से ये पलटवार देखने को मिल रहा है। मायावती ने पहले पलटवार किया तो अब अखिलेश यादव ने भी मायावती पर पलटवार किया है। मायावती के पोस्ट पर अखिलेश का हमला है। हम कुछ लोगों के पोस्ट पढ़ते ही नहीं है। ये पुल पुराना बहुत जरूरी था और बगल के छोटे पुल से परेशानी थी, ये अखिलेश ने बोला है। कुछ लोगों ने पुल पर साजिश रची, अखिलेश यादव का ये भी निशाना है, फिर भी हमने पुल बनवा दिया। दिल्ली से डिफेंस की एनओसी ली थी, अखिलेश यादव ने ये भी कहा। मायावती बीजेपी से मिली हुई है, चिट्ठी लिखकर पुल को तोड़वा दे, सरकार के पास तो बहुत बुलडोजर है। बता दें ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था के बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया, फिर एक स्वीकृत कर दिया ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लग गए, पुल नहीं बनने देंगे। और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा तो वो सहमत हुए, उन्होंने एनओसी दिया। और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे वो ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे, अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किस किस को ब्लेम करेंगे। एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम कर रहे हैं लोग। तो सर ये मायावती तो तोड़वा दे सरकार, बीजेपी से मिले हुए हैं, तोड़वा दे पुल को, किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे पुल तोड़वा दो, लेकिन मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है, हमें कोई उससे शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं उसमें। मेरे पे कान दो हैं और दो तरह से बोल रहे हो, कैसे सुन लूंगा मैं।